हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राई वेज मोमोज की रेसिपी। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। आप इसके लिए मैंने ये पत्ता गोभी ले लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, गाजर को ग्रेट कर लिया और कैप्सिकम को छोटा छोटा कट कर लिया है। अब देखिए, हम गैस फ्लेम ऑन करके इस पर हम पैन रख देते हैं और एक चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ये मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है कट करके, ये अदरक डाल दी है। गैस फ्लेम लो रखिए। देखिए, अब इसमें मैंने ये हरी मिर्च डाल दी है। इसको हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको हमें हल्का सा ही पकाना है, इसलिए हम इसमें उसी इसके साथ ही देखिए ये पत्ता गोभी डाल देंगे। इसको एक बार आप मिला लीजिए। इसको हमें थोड़ा सा ही फ्राई करना है कि हमने ग्रेट कर रखी है, तो हमें इसे इतनी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। गाजर डाल देंगे हम इसमें, ये शिमला मिर्च डाल दिया हमने इसमें। मिला लीजिए अब आप इसे अच्छे से। उसको 2 से 3 मिनट के लिए आप फ्राई कर लीजिए। इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे, मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच काली मिर्च डाल दी है। नमक डाल दीजिए आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिला दीजिए अब आप इसको अच्छे से। देखिए, सब्जियां भी हमारी फ्राई हो चुकी है और ये हमारे अंदर की इसकी फिलिंग मोमोज की रेडी हो चुकी है। अब हम इसका डो लगाएंगे। ये मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब देखिए, मैंने इसमें 1 कटोरी मैदा डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और अब हम इसका आटा लगाएंगे सॉफ्ट। ये देखिए, मैंने आटा लगा दिया है इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसका सॉफ्ट आटा लगा लीजिए। अब हम इसको चलिए बेलते हैं। इसको हमें पूरी की शेप में बेलना है। देखिए इस तरह से। अब हम इसके बीच अपनी ये स्पून से फिलिंग को रखेंगे अंदर और इसको ऊपर से कवर करेंगे। देखिए इस तरह से एक साइड से उठाते रहिए और इसको फोल्ड करते जाइए। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं जिसमें आप चाहें। मोमोज की काफ़ी सारी शेप्स बनती हैं, बट ये इजी थी तो मैंने इसलिए इसे इसी शेप में बनाकर आपको दिखा दिया है। आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। देखिए, मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा देती हूँ एक बार। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला और अब उसके ऊपर हम स्ट्रेनर रख कर ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए कितनी स्टीम निकल रही है इसमें से और हमारे मोमोस पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं। स्टीम मोमोस बन गए हैं ये, आप निकाल लीजिए इनको। आप चाहें तो इससे ग्रेवी मोमोस भी बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है और ये गर्म हो गया है। अब हम इसको मोमोस को इसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे। अब हम इसे फ्राई करते वक्त आपका ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये समोसे की तरह बनेंगे। देखिए फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट ली है और हम इसमें इसको सर्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए रेडी है हमारे फ्राई मोमोज की रेसिपी।
इसको हम चिली सॉस के साथ और मेयोनीज के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।